अस्सलाम वालेकुम माय होम शेफ्स, दिस इज फराह। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सिखाऊंगी आपको चिकन जलफ्रेजी बनाना। जिसके लिए पैन लेंगे, उसके अंदर बिस्मिल्लाह 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दें। साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर बोनलेस चिकन हमारे पास है 900 ग्राम। अब इसके अंदर शामिल करेंगे सॉल्ट। चिकन को पहले अच्छी तरह से फ्राई कर लें जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट के साथ। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर, चिकन को कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चिकन के पानी को बिल्कुल ड्राई कर लें, उसके बाद इसको निकालें। ये देखिए चिकन के पानी है, इसे मैं ड्राई कर रही हूँ और साथ साथ इसे फ्राई भी कर रही हूँ। चिकन के पानी ड्राई हो गए, अब इसे थोड़ा सा फ्राई कर लें। चलिए अब इसे निकालेंगे और सेम पैन में वेजेस फ्राई करेंगे। अब इसी ऑयल में इसके अंदर डालेंगे वेजेस। देखिए वेज के अंदर हमने लिया है 2 मीडियम अनियन, 1 लार्ज कैप्सिकम, 2 टोमेटोज। टोमेटोज को सीडलेस कर लें और इसे इस तरह से काट लें। चला अब इसे भी निकालेंगे हम, 1 से 2 मिनट फ्राई करें फिर इसे निकाल लें। सेम पैन में ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1/4 कप ऑयल डाल दें। साथ ही इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे, थोड़े से पानी शामिल कर दें। टर्मेरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, कश्मीरी रेड चिली 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर शामिल करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। तेल में अच्छी तरह से मसालों को फ्राई करें अदरक लहसुन के साथ। 1 से 2 मिनट इसे फ्राई करेंगे और फ्लेम को आप मीडियम टू लो पे रखें। अगर इस स्टेज में आपको लगता है कि आपके मसाले जो है वो जल जाएंगे तो आप इसके अंदर थोड़े से पानी शामिल कर दें, यानी कि 2 टेबल स्पून पानी शामिल कर दें इसके अंदर। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, अब इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए हमारे पास यहाँ है टमाटर और प्याज के प्यूरे। 1 अदद प्याज ले लें मीडियम साइज और 1 लार्ज टमाटर ले लें। इसको आप ब्लेंड कर लें फिर इसके अंदर ऐड कर दें और फ्लेम को हाई करेंगे और इसको अच्छी तरह से धोकर इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। चलिए अब इसको प्याज के साथ मसालों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब तक प्याज और टमाटर के जो कच्चा पन है वो जब तक ख़त्म ना हो जाए इसे फ्राई करते रहेंगे। इसके ऊपर लिड लगाएंगे, मसालों को अच्छी तरह से कुक करेंगे। 5 मिनट हम लिड लगाकर मसाले को पकाएंगे, उसके बाद फिर मसालों को अच्छी तरह से भुनेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके मसाले जल जाएंगे तो आप बीच में क्या करें कि बीच बीच में पैन की लिड हटाएं और इसे इस तरह से स्टर कर लें। उसके बाद दोबारा से आप लिड लगा दें। देखिए 3 मिनट हो गए, अब इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर दें। 6 अदद हरी मिर्चें शामिल कर दें। मैं इसके अंदर 6 ऐड कर रही हूँ, आप 7 ऐड कर लें। चलिए दोबारा से लिड लगाएंगे। चलिए लीड हटाएंगे और मसाले को चलाएंगे। अच्छी खुशबू आ रही है हमारे मसाला जो अच्छी तरह से। ये देखिए अब इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे और चिकन को मसाले के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। चिकन को मसाले के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लें। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दें।
अब इसके अंदर दही शामिल करेंगे, 3 टेबल स्पून दही शामिल कर दें। जब चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और तेल सेपरेट हो जाए उसके बाद अब इसके अंदर दही शामिल करें और दही डालने के बाद उसको फौरन तरह से स्टर करते जाएं ताकि इसके अंदर जो लम्स ना बने यानी कि कडल ना हो जाए दही। ये देखें तेल सेपरेट हो गया। अब इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। पानी शामिल करेंगे तकरीबन हाफ कप। अब लिड लगाएंगे, फ्लेम को मीडियम करेंगे और चिकन को 10 मिनट कुक करेंगे। ये देखिए 10 मिनट्स हो गए। अब इसके अंदर वेजेस शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाह। साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ टी स्पून शुगर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जालफ्रेजी के अंदर जो वेजेस डालते हैं वो थोड़ी रॉ होती है, तो आप कोशिश करेंगे रॉ रखें, बिल्कुल इसे आप ओवर कुक ना करें। 1 मिनट कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं, और फ्लेम को हम हाई करेंगे। ये देखिए 2 मिनट हो गए। अब इसके अंदर ये देखें 3-4 टेबल स्पून पानी ले लें और 1 टेबल स्पून आप कॉर्नफ्लोर ले लें। अब इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। अब ये देखिए मेरे जो वेजेस है बिल्कुल क्रिस्पी है। आप ये देखें टमाटर से अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ 1 मिनट इस तरह से चलाएंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारा जो चिकन जलफ्रेजी तैयार है, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे डिश आउट करते हैं। चिकन जलफ्रेजी तैयार है, आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अच्छी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।